में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इनका जुबानी कार्यालय में आप लोग सुन लिए। और अरवल जिला में भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए परे पदाधिकारी अरवल का कुल पदाधिकारी है, थोड़ा ध्यान दे कि यहाँ अरवल जिला में भ्रष्टाचार खत्म हो और जड़ से खत्म हो। सब आप लोग देख लिए, पुराना बात हो गया। अब लोग अब सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, 15 लाख का जुमला बोला 15 लाख देंगे खाते में जाएगा, गरीब पागल हो गया बोला 15 लाख रोजगार देंगे, किसको रोजगार नहीं मिला, सारे चीज बिक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कब क्या लाएगा, कब क्या करेगा, इसे राम पर भरोसा है। पहले सियाराम लोग बोलते थे, भजन गाते थे, जय श्री राम कर दिया, सारा भगवा करण करने का सोच है, संविधान बदलने का सोच है, इसलिए बीजेपी कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को अगर उखाड़ना है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नीतियों पर चलना होगा, अम्बेडकरवादियों को लाना होगा। ऐसे भी अब दो धारा की लड़ाई बचा है, अब बीच में कोई नहीं। पहले लोग बोलते थे लोग हैं कौन, हम तो पूछना चाहते हैं आप गांधी के वंशज रहना चाहते हो कि गोडसे के वंशज रहना चाहते हो, हम तो अम्बेडकर के वंशज हैं, हमारी पार्टी तो अम्बेडकरवादी है, हम तो बाप डॉक्टर की तरह निर्णय नहीं होगा तब तक गरीबों को फायदा नहीं होगा, इसलिए हमारा सोच साफ है। हम कहना चाहते हैं कि अरवल के विकास को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और गरीब गुरबा के लिए हम लोगों को लड़ना है, यही हमारा कार्य।